हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में आज अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करना। छोटे छोटे पॉइंटों पे अपन चर्चा करेंगे, तो आइए सबसे पहला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहला सवाल आप यहाँ से क्या रखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, आइए देखो विश्व जनसंख्या दिवस स्थापना हुई थी 1989 में, और कौन ने की थी स्थापना, यूएनडीपी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यूएनडीपी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो पेपर ने क्या सीखा, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अपन यहां से एक तारीख और याद रखेंगे, वह तारीख कौन सी है लिखिए, 11 जुलाई 1990 को यह विश्व जनसंख्या दिवस प्रथम बार मनाया गया था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 90+ देशों ने इसमें भाग लिया था। और नंबर 3 पॉइंट, तब से यह क्या है, प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। स्थापना हुई थी 1989 में, यूएनडीपी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर अपन ने पढ़ा 11 जुलाई 1990 को इसको प्रथम बार मनाया गया था, 90+ देशों ने इसमें भाग लिया था, और प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा 11 जुलाई 1990 से। ठीक है, तो यहां से आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। अब बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य क्या है, यह मनाया क्यों जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस क्या करता है, देखो विश्व जनसंख्या दिवस, देखिए जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक जागरूकता प्रदान करता है। तो देखो जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक जागरूकता प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, हमें विश्व जनसंख्या दिवस। तो आपको यहां से यह लाइन भी याद रखनी है, उद्देश्य आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं कल क्या तारीख थी, जो हमारा बीत गया कल, उस दिन तारीख थी 11 जुलाई 2024। ठीक है, यह हमारे बीत गया जो कल, उसकी तारीख थी 11 जुलाई 2024। ठीक है, पढ़ने का प्रयास करेंगे, इस दिन क्या था, विश्व जनसंख्या दिवस था, तो कल क्या था, विश्व जनसंख्या दिवस था। अब बात करते हैं इससे आपसे क्या पूछता है, एसएससी ऐसे सवाल करता है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, या आपसे ऐसे सवाल कर सकता है अगर करंट में पूछेगा तो, इस वर्ष जुलाई माह की 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, तो इस वर्ष की थीम क्या थी, तो थीम आपसे हमेशा पूछता है, तो थीम लिखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। थीम लिखते हैं, लिखिए लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरी वन, नो छोड़ो मत किसी को सबको गिनो। यह थी इस वर्ष 2024 की थीम। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। आइए अब बात करते हैं अपन, लिखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मुख्यालय, इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको टॉपिक लगा रखा है, तो लिखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष मुख्यालय, इसका आपसे क्या क्या पूछ सकता है, अध्यक्ष पूछ सकता है, इसका मुख्यालय पूछ सकता है, और इसे क्या पूछ सकता है आपके, इसकी स्थापना पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसकी स्थापना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मुख्यालय की स्थापना 1969 में हुई थी, ये तो हो गई इसकी स्थापना। अब लिखते हैं अपन नंबर दूसरा पॉइंट, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और लिखते हैं इसका मुख्यालय कहां स्थित है, मुख्यालय लिखिए न्यूयॉर्क
यूएसए में, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय स्थित है। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या सीखा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और स्थापना कब हुई थी, 1969 में। अध्यक्ष लिखिए आप, अध्यक्ष है नतालिया कोनेम, नतालिया कोनेम। अध्यक्ष का नाम लिखिए अध्यक्ष, नतालिया कोनेम, नतालिया कोनेम इसकी अध्यक्ष वर्तमान में। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है, नतालिया अध्यक्ष इसकी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। अब बात करते हैं जनसंख्या, जनसंख्या की गणना किसके, जनसंख्या का मापन या मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, जनगणना के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जनगणना के द्वारा किया जाता है। ये तो था आपके करंट का टॉपिक जो आपसे पूछ सकता है, करंट से रिलेटेड जितना भी सवाल। अब हमारा आज का हमारा टॉपिक था जनगणना के बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, जनगणना के बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो जनगणना क्या करती है, जनसंख्या से संबंधित हमें जानकारी प्रदान करती है, जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्रदान, जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब बढ़ते हैं, देखो पूछा गया सवाल है जनगणना क्या है, जनगणना क्या है, जनगणना पूछा गया सवाल है। जनसंख्या से संबंधित हमें जो जानकारी प्रदान करता है वह जनगणना है। लिखिए जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। तो यहां से आप याद क्या याद रखेंगे, जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, जनगणना जनसंख्या से संबंधित है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब बात करेंगे अपन जनगणना के माध्यम से अपन क्या क्या गणना करते हैं, लिखिए, और उनका बेस क्या क्या रहता है। तो ये सब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और याद करने का प्रयास करना। आइए देखो अब अपन हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या दिवस, हमारा टॉपिक था ये अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो अब अपन इससे आगे बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक क्या आ गया, अब हमारा टॉपिक जनगणना, जनगणना। ठीक है, जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्रदान करना क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। ठीक है, अभी देखो जनगणना में किस किस बेस पे क्या क्या कारण होते हैं, लिखिए सामाजिक सांख्यिकी आर्थिक, सामाजिक सांख्यिकी और आर्थिक आंकड़े क्या कहलाते हैं, जो सामाजिक सांख्यिकी आर्थिक आंकड़े जो हमें प्रदान करता है वह जनगणना कहलाती है। क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। देखो अब बात करते हैं इन इंडिया, इन इंडिया भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में, सर्वप्रथम, और किसके द्वारा की गई थी, मेयो द्वारा, मेयो द्वारा। ठीक है, मेयो द्वारा इसकी की गई थी। अगला साल अपन कौन सा याद रखेंगे, 1881, रिपन, व्यक्ति का नाम है रिपन, इसने क्या की गई थी, नियमित, नियमित जनगणना चालू कराई थी, नियमित जनगणना चालू। ठीक है, नियमित जनगणना चालू, तो दोनों से आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखिए स्वतंत्रता से पहले 8 बार जनगणना हुई थी, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद को 7 बार जनगणना हुई थी, स्वतंत्रता से पहले 8 बार, स्वतंत्रता के बाद 7 बार। ठीक है, तो टोटल कितनी बार जनगणना हो चुकी है, 15 बार, कितनी बार हो चुकी है, 15 बार। तो लिखिए लास्ट जनगणना कब हुई थी, सन 2011 में, कितने में हुई थी, सन 2011 में। तो 2011 की जनगणना कौन सी थी, 15वीं जनगणना, 15वीं जनगणना, और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, 7वीं जनगणना।
स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? सातवीं, और टोटल थी 15वीं। ये हो गई हमारी 2011 जनगणना। अब बात करते हैं जनगणना भारत की कौन से सूची में शामिल है? संघ सूची में शामिल है, ठीक है, सातवीं अनुसूची में शामिल है, और अनुच्छेद कौन सा है? 246। तीनों आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा हर एग्जाम में आपसे पूछता है कौन सी सूची, कौन सा अनुच्छेद और कौन सा संघ सूची है। ये सातवीं अनुसूची में और 246 अनुच्छेद है। अब बात करते हैं आगे गृह मंत्रालय क्या यह है अधीन। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट, जनगणना किसके अधीन आते हैं? गृह मंत्रालय की यह अधीन आता है। और लिखते हैं आगे, गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रर एवं जनगणना आयुक्त द्वारा यह जनगणना कराई जाती है। आप देखो 2011 में हुई थी, अगली जनगणना कब होती? प्रत्येक जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 वर्ष में होती है, होनी कब थी? 2021 में, लेकिन COVID-19 के कारण यह बंद कर दी गई, अर्थात नहीं हुई, यह नहीं की जा सकी और आगे विचार दिन है। और आगे आजकल एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने भी एक शब्द सुना होगा, जातिगत जनगणना। क्या है जातिगत जनगणना? इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह सब अपन कल पढ़ेंगे। और अपन पढ़ते हैं, देखो 2011 जनगणना का हमारा नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका आप देखो 2011 जनसंख्या का नारा लिखिए, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये तो हो गया इसका नारा। और यह अगला पॉइंट लगाइए शुभंकर, इसका शुभंकर आपसे पूछा गया है, शुभंकर लिखिए आप, प्रगणक शिक्षिका, इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, इसका शुभंकर था। तो देखो यह था आज का हमारा टॉपिक। फिर सबसे पहले अपने विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में पढ़ा, फिर अपन उसको टॉपिक को आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको जनसंख्या पे लाए, फिर जनसंख्या संबंधित अपने को जानकारी दी, जनसंख्या से संबंधित जानकारी में कौन प्रदान करता है? जनगणना करती है। जनगणना में कौन कौन से आंकड़े होते हैं? सामाजिक होते हैं, सांख्यिकीय होते हैं, आर्थिक होते हैं, जातिगत होते हैं, सभी को इंक्लूड किस में होते हैं? जनगणना में होते हैं। फिर अपन ने उसी जनगणना को आगे बढ़ाते हुए इंडिया पे लाया अपन, इंडिया में स्वतंत्र भारत से पहले 8 बार हो चुकी थी, स्वतंत्र भारत के बाद 7 बार हुई, तो टोटल 15 बार। तो 2011 की जनगणना टोटल मिलाए तो 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। अपन ने उसका नारा बता दिया, शुभंकर बता दिया, यह सब आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, यह सब आपको बता दिया गया है, ठीक है। कल बात करेंगे अपन इससे आगे, और 2011 जनगणना महत्वपूर्ण बिंदु कल हमारा टॉपिक होगा। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।